हेलो जी, सत श्री अकाल फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। फ्रेंड आज आपको बताते हैं कैल्शियम क्यों जरूरी है, कैल्शियम कैसे एक डॉग को बढ़िया तगड़ा मोटा तगड़ा बनाया जा सकता है और कैल्शियम किस प्रकार का होता है, कैल्शियम होता क्या है। पहले तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड जो डॉग को हम हड्डी देते हैं ना च्यूइंग करने के लिए, उसी को कैल्शियम समझ लेते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह की हड्डी की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो होती है मेरे फ्रेंड, बहुत सारे मेरे फ्रेंड इसी को कैल्शियम की हड्डी बोल देते हैं, ये एक्चुअली में प्रोटीन की हड्डी होती है मेरे फ्रेंड। ये पूरा वीडियो डेमो के साथ एक मेरे पास रॉटवाइलर आया है, वो अगर आज से आप 20 दिन पहले देखोगे तो मोटा तगड़ा पंचिंग फेस गोलू मोलू था, लेकिन आज फेस पॉइंटेड हो गया है, बॉडी वेट 1 किलो पीछे चल रहा है जो उसकी एज में होना चाहिए। और वो क्यों है, कैसा है, क्या रीजन उसके पीछे, आइए आपको उसके दिखाते हैं और उसके मालिक से ही बात करवाते हैं। आइए फ्रेंड, क्या नाम है आपका? गुरशरण सिंह जी। गुरशरण सिंह सर, क्या एज होगी इसकी? आज 26 नु 3 महीने रहा होगा। ठीक है। हां जी 22 और 14 दिन नु। हां तो इसका मतलब है कि ये आज हो गया है 85 86 डेज के आसपास। गुरशरण वीर जी, इसका क्या बॉडी वेट आया आज? आया 9 किलो 100 ग्राम। ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। ऐसा है फ्रेंड, ये आज 85-86 डेज का डॉग है रॉटवाइलर। तो इसका अगर आप पॉज देखोगे ना, इसको पंजाब बोलते हैं, अगर आप ये देखोगे तो आपको काफ़ी हैवी दिखेगा, लेकिन इसका फेस इसके पॉज से मैच नहीं करता। तो कमी कहाँ रह गई है? कैल्शियम की। जब भी डॉग वॉक करता है, घूमता है, चाहे स्लिपरी फ्लोर पर हो, उसका पैर एक अच्छा हुआ हैवी होता है। क्योंकि अगर कहो कि हैवी बोन डॉग चाहिए ना, तो उसकी पहचान क्या होती है? अच्छे मोटे तगड़े पहले छोटे बच्चे के पाँव बोन स्ट्रक्चर कैसा है। देखो यहाँ वीकनेस क्या रह गई, इसको कैल्शियम नहीं हम दे पाए है ना वीर जी, कैल्शियम देने के साथ साथ च्यूइंग के लिए बोन देना बहुत ज़रूरी है। बोन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड, ये तरह का ये कुछ बोन होते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है जी, अगर आप किसी भी कंपनी का, मान लीजिए कि ये कोई कंपनियाँ हैं कैल्शियम वाली, ये सभी कैल्शियम की कंपनियां टैबलेट फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और नीचे अपने पाउडर फॉर्म में भी है। इसमें से अगर आप किसी भी कंपनी का अगर आप कैल्शियम दोगे, बट अगर साथ में एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका फेस और उसके कह लो कि पाँव से मैच नहीं करता। दूसरा एक और बात चीज़ देखिए, यहाँ से इसके एक मोटा सा बन गया है बोन, वो एक्चुअली इसका स्टार्टिंग स्टेज पर है, इसका बोन ट्विस्ट होना चालू हो गया है। सिंपल भाषा में कहूं तो लेग बेंडिंग, पैर इसके टेढ़े होने फर्स्ट स्टेज पर स्टार्ट हो गए। अगर आप देखोगे पैरों की पोजीशन ठीक नहीं है, लेकिन पॉज हैवी बोन मोटा तगड़ा है। बहुत जल्दी बहुत सारे हमारे फ्रेंड ऐसा होते हैं कि पहले डॉग काफ़ी मोटा होता है, जब छोटा बच्चा होता है तो 3-4-5 महीनों के बाद उसका बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं चूँक हफ से हो जाती है, जहाँ हम डॉक्टर्स की पूरी बात मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। पेट के कीड़ों की दवाई देना बेहद ज़रूरी है, बट साथ ही में अगर इसको बॉडी वेट के हिसाब से कैल्शियम ना मिले तो भी डॉग का वो बोन स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। कैल्शियम बहुत ज़रूरी देना है, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ उस बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास, मान लीजिए कि अगर आपके पास बोन नहीं है, वहाँ मिलते नहीं है, तो घर में कोई ना कोई टॉयज होते हैं प्लास्टिक के, अगर आपका डॉग प्लास्टिक खाना लेना पसंद करता है, चबाना पसंद करता है, एंड ऑफ द डे उसके पैरों के साथ साथ अगर उसके हेड की जॉ की अच्छी एक्सरसाइज होगी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सप्लीमेंट देना बेहद ज़रूरी है, खासकर इस ब्रीडों के लिए। बट मेन इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर के साथ हेड भी अच्छा ग्रो हो, क्योंकि रॉटवाइलर, अमेरिकन बुली, बहुत सारी ऐसी ब्रीडें हैं, बुल मास्टिफ, फ्रेंच मास्टिफ, जिनके अच्छे मोटे तगड़े अगर हेड हों तभी वो जचते हैं। चाहे बॉडी मोटी हमें बाद में देख लेंगे, लेकिन ये यहाँ दिक्कत हो रही है कि ये इसका फेस पॉइंटेड है, पूरा फुल एक्टिव बच्चा है, बट इसके मेन प्रॉब्लम है ये देखिए, ये जो लेग की पोजीशन है, ये इधर को घूम रही है, पॉज काफ़ी मोटे तगड़े अच्छे हैं, बट हेड अगर कहो वो पॉइंटेड है। तो यहाँ सिर्फ चूक कैल्शियम देने से है और कोई नहीं। बाकी बहुत सारे मेरे फ्रेंड पूछ रहे हैं, सर एक बार दोबारा रखना यहाँ पर, अगर रुकता है तो क्या बॉडी में दिखाते हैं फ्रेंड आपको 86 डेज का रॉटवाइलर। रुक जा। 9.2 के आसपास आता है। क्या नाम है सर इसका? पेत्रो। पेत्रो
ये देखिए माय फ्रेंड, इसका पैर स्लिपरी फ्लोर पर रखकर दिखा रहे, थोड़ा बाहर को जा रहा है पेट्रो। अगर यहां से आपको दिखाऊं तो काफी अच्छा दिखेगा, लेकिन जब फेस पर बात आती है तो आपको वो पॉइंटेड दिखेगा। भोला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों पड़ोसियों पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें। Perfect.